सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं अभिमन्यु आज कुछ सुपर अमेजिंग लोगों के साथ यहाँ पर बैठा हूँ और ये वो सुपर अमेजिंग लोग हैं जो सुपर अमेजिंग फिल्म्स बनाते हैं जिसे देख के हमारा रिएक्शन होता है इट्स सुपर एंड इट्स अमेजिंग द वन एंड ओनली अनुराग कश्यप इन द हाउस वी हैव फ्रॉम मुक्काबाज द हीरो एंड द हीरोइन ऑफ द फिल्म वी हैव जोया वी हैव विनीत गाइज वेलकम टू रेड एफएम थैंक यू तो सबसे पहला अहम अमेजिंग क्वेश्चन कि ये जो फिल्म है मुक्काबाज जिसमें बॉक्सिंग भी है और बहुत रियलिटी दिखाई गई है स्पोर्ट्स जगत की हमारे देश में कैसी रहती है एंड यू हैव लव एंगल आल्सो ये थॉट कहां से आया कहानी तो उधर से ही शुरू हुई थी अच्छा इन्होंने खुद के लिए रॉकी लिखी थी इन्होंने सिलवेस्टर स्टैलोन की स्टोरी पढ़ी उन्होंने कहा ऐसे ही होगा पहले तो भी लेकिन जब विनीत 2 साल तक घूमा उसके बाद मेरे पास आया तो मैंने पढ़ा उसमें एक बाकी सब तो खैर हम लोग सिनेमा देख के बड़े होते हैं हमें लगता है यही सिनेमा हो सकता है वो कंडीशनिंग है लेकिन एक ईमानदार चीज़ थी उसमें एक पोर्शन जहाँ पे कि आदमी उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए जॉब करता है और उसका एक सीक्वेंस था वो कैसे जिस लड़की से प्यार करता है वो डेस्परेशन है कि कुछ हो जाए तो मैं और तो शादी इसकी तोड़ने के लिए जो करता है वो दो चीज़ें लेकर के मैंने लगा यहाँ पर एक ईमानदारी है जो यूपी की ईमानदारी है जो ऑनेस्टी है जहाँ पर मुझे लगता है कि इसका खुद का कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा जब ये खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हुआ करता था गुंडागर्दी करता था तब बिफोर ही बिकेम अ डॉक्टर मैंने कहा ये उस पर मैं काम करता हूँ लेकिन ये फिल्म मैं बनाऊँगा तो विनीत बोला आप बनाओगे मैं कहा बनाऊँगा लेकिन मैं तभी बनाऊँगा अगर तू बॉक्सर बन जाए तो विनीत तब तक वो थोड़ी वाली बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहे थे जो उससे इंस्पायर्ड थी मैं इंतकाम लूँगा तो ओके सो विनीत माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू हियर इज कि ये जो ट्रेनिंग का फितूर था ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि आपने सामान उठाया गाड़ी उठाई और आप निकल लिए पटियाला ट्रेनिंग के लिए हाउ वाज द होल थॉट अनुराग सर ने जब ये बोला कि बॉक्सर नहीं बने तो मुक्काबाज नहीं बनाऊंगा और मुझे रियल चाहिए तो वहाँ जाओ जहाँ एक्चुअली बॉक्सर पैदा होते हैं तो मैं बोला मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ और सर ने बात की विजेंद्र सिंह से जो ओलंपियन हैं हमारे देश के बॉक्सिंग के में जिन्होंने मेडल लाया और विजेंद्र सिंह से सर की बात हुई उन्होंने कोचेस से मुझे कनेक्ट किया एंड मैं भाग लिया मतलब इस उसी दिन हो गया था सब कुछ और बस भाग लिया वेरी नाइस वंडरफुल अनुराग सर हर फिल्म जो है एक अलग तरीके की फिल्म होती है आपकी वी ऑल नो दैट सो गिव मी वन रीजन व्हाई द लिसनर्स शुड सी मुक्काबाज आई थिंक दिस इज माय मोस्ट एंटरटेनिंग मूवी एंड दिस वन हैज इज मोस्ट फन It's a very beautiful love story. It's the kind of love stories that I think we used to watch. The whole idea was like, you know, we used to have the kind of a mainstream cinema that was socio-political, that had everything, that had nice music. And it looked like an Indian film. No gali. और इसमें गाली भी नहीं है अनुराग कश्यप की फिल्म में पहली बार गाली नहीं और पहली बार मैं बोल सकता हूँ दर्शकों से पूरे परिवार के साथ जाए